खबर इटावा जनपद से, जहां यातायात माह का शुभारंभ किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहनों को रवाना किया। मौजूद वक्ताओं ने कहा कि 2030 तक सड़क हादसों में 50% तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि चेकिंग के दौरान लोगों को रोकना या दंडित करना कानून का उद्देश्य नहीं, बल्कि लोगों को नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने यह कहा कि यदि लोग खुद जागरूक हो जाएं तो दंडित करने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा कि कानून लोगों को सड़क हादसों से बचाने के लिए सख्ती करता है। कहा कि यातायात के नियम कानून को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान की सुरक्षा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हेलमेट लगाकर चलें, सीट बेल्ट का उपयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, गति पर नियंत्रण रखें और वाहन चलाते समय फोन का उपयोग न करें। इन 5 सूत्रों का उपयोग कर हादसों से बचा जा सकता है। इस अवसर पर एसपी सिटी रामेश सिंह, सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह, एआरटीओ ब्रजेश यादव, आरएम रोडवेज, पीटीओ अर्जुन कुमार जैसल, ट्रेनिंग सीओ सौरभ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको हम आपकी जिम्मेदारी से बिगड़े, पीटीओ साहब इधर आओ, छोटे और आ जाओ, सीओ साहब आ जाओ, एसआई है कर दे। हाँ सर, हाँ सर, ताली बजा दो। बहुत अच्छा, क्या पूरा रखा गया है यातायात महा। एक तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए, जनमानस में ये भावना उत्पन्न करने के लिए कि जब भी वो सड़क पे निकलें तो यातायात नियमों का पालन करें, इसके लिए वर्ष 1998 से लगातार मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं और एक्सीडेंट के कारण बहुत से लोग विकलांगता को धारण कर लेते हैं या अन्य उन्हें कोई इस तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है, उस सब पे रोकथाम लग सके और लोगों में एक अच्छा नियमों को अनुपालन करने की चेतना पैदा हो सके, उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एक अभियान चलता है। यद्यपि आप सहमत होंगे कि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो एक महीना केवल इसलिए रखा गया है कि इसमें हम लोग स्कूलों में जाके ट्रांसपोर्ट यूनियंस के माध्यम से, अन्य जो एनजीओज हैं उनके माध्यम से जन जागरण प्रोग्राम वृहद स्तर पर चलाएं और लोगों तक पहुँचें। यद्यपि ये रोज चलने वाला, दिन रात चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है, हमेशा रोड पे कोई ना कोई रहता है हर समय और हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से जैसे पूर्व के वर्षों में सुधार होते चले आ रहे हैं लगातार, क्योंकि हालांकि वो सुधार कई बार परिलक्षित भी हो रहे हैं, लोग फीडबैक भी देते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जो ये महा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा के तत्वाधान में इटावा पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से इसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे और एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था हम पूरे जनपद को दे पाएंगे और एक्सीडेंट में और एक्सीडेंट से होने वाली जो मौतें हैं उनमें निश्चित रूप से कमी लाने का एक सफल प्रयास करेंगे। ड्रोन कैमरा भी यूज किया जा रहा है क्या, किस तरह से? और ये ड्रोन और बाकी सारी फैसिलिटीज इसलिए यूज की जा रही है, कई बार हम लोग यहाँ बैठ के ऑफिस में ये प्राप्त जानकारी नहीं हो पाती है कि कहाँ पे कंजेशन ज्यादा है, क्योंकि केवल एक्सीडेंट रोकने का ही उद्देश्य नहीं है, इसमें यह भी हमारा उद्देश्य है कि शहर की यातायात व्यवस्था सुगम और सुचारू रूप से चलती रहे, तो उसके लिए ड्रोन एक बहुत बड़ा माध्यम है जो दूर बैठे हुए बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में हमें ये मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पे हमें इमीडिएटली फोर्स की आवश्यकता है ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए, ये कहीं अगर कहीं जाम वाम लगा है उसे खुलवाने के लिए, तो बड़ा उपयोगी है। पूर्व में इस तरह के प्रयास किए गए हैं तो इसके बड़े सकारात्मक इसका परीक्षण रहा है। ड्रोन सर पूरे जनपद में इस्तेमाल किए जाएंगे या किसी विशेष जगह पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे? विशेष रूप से उन जगह जहाँ पे ट्रैफिक जाम की व्यवस्था की समस्या है, हर जगह अब चक्कर नगर में ड्रोन का कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं होगी, लेकिन ऐसे स्थान जहाँ पे जाम की समस्या रहती है, ट्रैफिक व्हीकुलर मूवमेंट ज़्यादा रहता है, निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करके एक सकारात्मक सुधार लाने का